हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे हेना को यूज़ करती हूँ, हेना पैक मैं कैसे रेडी करती हूँ आराम से घर में ही। हाँ जी, इसके लिए आपको पार्लर जाने की या पार्लर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही नेचुरल होता है। मैं नो नेचुरल रखने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ ताकि यू नो आगे जाके हमारे बालों को नुकसान ना पहुँचे। तो यस, 2020 ने बहुत कुछ अच्छा सिखा दिया है हमको। तो यस, स्विच ऑन टू ऑल द नेचुरल प्रोडक्ट्स यू कैन एंड मेक एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, राइट। तो दोस्तों, इस तरह से हेना पैक नो रेडी करने से आपको एक हेल्दी सा बाल तो मिलेगा ही, हेल्दी स्कैल्प रहेगा ही। उसके साथ ही आपको मिलेगा डार्क नेचुरल डार्क ब्राउन कलर, जो आपको कोई अदर प्रोसेस फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है या इसमें और भी कुछ अलग सा प्रोसेस करो, कुछ भी ज़रूरी नहीं होगी। तो बस इतना चीज़ें ऐड करना और इसे ही रेगुलर रखना आपके हेना पैक जो रेडी करना होता है। अब आपको मिलेगा एक 100% यू नो ग्रे हेयर्स का कवरेज विथ डार्क ब्राउन कलर, जो आप यू नो मोस्ट ऑफ देम लाइक डार्क ब्राउन कलर इंस्टेड ऑफ यू नो गोइंग फॉर ब्लैक एंड गोइंग फॉर एनी अदर कलर्स, राइट। हेना से ये मुमकिन है विथ ओनली एडिंग दीज पाउडर्स या दीज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो मैंने ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, मैंने अमेजोन से ही खरीदा है। तो जस्ट ऐड दीज थिंग्स एंड जस्ट यूज इट ऑन योर स्कैल्प एंड यू सी द रिजल्ट। यू विल बी लाइक अमेज टू सी द डार्क ब्राउन कलर एंड 100% कवरेज ऑफ ऑल द ग्रे हेयर्स ऑन योर हेयर। क्योंकि मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हेना एंड द एप्लीकेशन। जैसे आप पार्लर में अप्लाई करते हो, जो बन बना देते हैं पार्लर वाले, बहुत ही इजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आराम से आप उसी को भी उसको भी घर में आराम से बना ले सकते हो या आप अपने आप अप्लाई कर ले सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, आराम से बना ले सकते हो। बस एक बार ज़रा ध्यान से देख लेना वीडियो को एंड यू कैन ट्राई योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी। सो यस, दो वीडियो आएगा, हेना पैक एंड हेना एप्लीकेशन, तो ज़रूर देखना। यस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हेना पैक बनाने का सबसे पहला जो बेस इंग्रेडिएंट्स होता है ना, वो है आमला, रीठा एंड शीतकाई। आमला रीठा जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। मतलब उसमें जो कंटेंट होता है ना, हमारे बालों का जो डैंड्रफ इश्यूज रुकने में मदद करता है, हेयर रीग्रोथ होने में बहुत ही अच्छा मदद करता है एंड हमारे स्कैल्प को एक हेल्दी वे में बनाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। रीटा एट द सेम टाइम हैज़ अ क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ इन इट, जो हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को अच्छी तरह से डीप लेयर तक जाके अंदर से अच्छे से क्लियर कर देता है। हमारे फॉलिकल्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है रीठा। तो यस, यहाँ पे मैं रेशियो लेने वाली हूँ आंवला एंड शीकाकाई को मैं 1:1 रखूँगी एंड रीठा को मैं उससे आधा रखूँगी। अगर 1 है तो मैं आधा जितना लूँगी रीठा। तो इस रेशियो में ही आपको इन तीनों ड्राइड फ्रूट्स को भिगोना है। सो भिगोने से पहले मैं इसे अच्छे से 2 बार अच्छे से पानी में धो लेती हूँ। आप देख सकते हो, धोते ही इसका कलर जो है वो या उसमें जो डस्ट होगा वो सभी निकल जाएगा एंड उसके बाद हम इसे एक अच्छा नॉर्मल पानी में इसे भिगो के रख देंगे 2 दिन के लिए। हाँ, इसे अच्छे से एक डार्क प्लेस में रख दीजिएगा, 2 दिन तक इसे छोड़ दीजिएगा ताकि जो भी ड्राइड फ्रूट्स हम डाले थे ना, वो अच्छे से इसमें भीग जाए एंड सॉफ्ट हो जाए। एंड या सॉरी, मैं यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहनी हूँ, ग्लव्स नहीं मिल रहा था मेरे को उस दिन, तो मैंने एक प्लास्टिक कवर डाल दिया था इस तरह से। तो इस पल्प को, जो भी इस ड्राइड फ्रूट्स को हम इनका जो पल्प रहता है ना, हमको इसे निकालना है, इस तरह से अच्छे से स्क्वीज़ आउट करना है। अच्छे से स्क्वीज़ आउट करने का मकसद ये है कि उनमें जो भी पल्प कंटेंट होता है ना, वो अच्छे से इस पानी में मिल जाए। आप देख सकते हो, पानी का रंग भी ब्लैकिश में टर्न हो गया है। इसका मतलब है जो भी ड्राइड फ्रूट्स का जो कंटेंट है ना, वो पानी में मिल चुका है एंड एट द सेम टाइम जो आयरन बॉल है ना, आयरन बॉल में भिगोने का यही एक फ़ायदा होता है कि जितना भी आयरन कंटेंट हमारे बालों के लिए, हमारे सिर के लिए चाहिए होता है, वो पूरा इस बॉल में मौजूद है, जो पानी में मिल जाता है। 2 दिन तक हम रखेंगे तो
इस तरह का कंसिस्टेंसी जो मैजिकल है वो मिल जाता है। अब देख सकते हो झाग इतना अच्छा आ रहा है। ओके, तो इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी इस तरह से एंड बार बार मैं इसे अच्छे से पानी डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी ताकि जितना भी इंग्रेडिएंट्स, जितना भी न्यूट्रिएंट्स वो ड्राइड फ्रूट्स में मौजूद है वो पूरा निकाल के आ जाए इस पानी के अंदर। तो आप भी इसी तरह से फॉलो करना ताकि आपको भी 100% मिल सके इस हिन्ना पैक के थ्रू। हाँ जी, ये हिन्ना पैक के थ्रू आपको कोई भी बाहर के डाइस या कोई भी पैक्स यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे आपको एक डार्क कलर ऑफ ब्राउन मिल जाएगा, जो काफ़ी लोगों को डार्क ब्राउन ही अच्छा लगता है, ना कि वो यू नो ब्लैक वाला। तो अगर आपको वो ब्राउनिश कलर चाहिए अपने बालों का, जो ग्रे है जो वो पूरा कवरेज चाहिए, तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो। तो इस पल्प का निकाला हुआ पानी में, आई मीन इस ड्राइड फ्रूट्स का जो पल्प हमने निकाल दिया था ना पानी में, इस पानी के साथ ही मैं इस हेन्ना पाउडर को मिलाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ नुपुर का, जो 100% प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। हमेशा मैं इसी को यूज़ करती आई हूँ एंड आप देख सकते हो हेन्ना का, आई लव दिस ग्रीन कलर ऑफ हेन्ना। तो इसे हम मिक्स करेंगे इसी पानी से। अगर कम पड़ता है आप फिर से दोबारा कोई भी पानी मिक्स कर सकते हो, कोई फिल्टर पानी या नॉर्मल पानी लेके आप मिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये पानी आपको कम पड़ता है तो। तो आप देख सकते हो डार्किश ब्लैक कलर हमको यहाँ पे मिला है इस तीन ड्राइड फ्रूट से, आमला, रीटा एंड शिकाकाई। दे आर लाइक वंडर्स एंड दे वर्क लाइक मिराकल्स फॉर योर हेयर्स हेड व्हाट नॉट। तो ये हम इसे इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ज़रा से ज़्यादा ही पानी डालिएगा एंड ये अच्छे से इसे मिक्स करना ताकि जो भी लम्स होगा हेन्ना पाउडर का वो पूरा अच्छे से इस पानी में मिल जाए। और ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा क्योंकि इसे हम फिर से छोड़ने वाले हैं पूरा रात। आप देख सकते हो मेरा हाथ का हालत, मैंने कवर पहन रखी थी फिर भी इतना अच्छा इन तीनों का, इन तीनों फ्रूट्स जो वरदान हैं, जो नेचुरली हमको मिल जाते हैं, लेकिन हम ना भूल जाते हैं ये नेचुरल चीज़ों को क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, राइट। तो इसलिए दोस्तों टाइम निकाल लीजिएगा, नेचुरल चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा ताकि ना आगे जाके आपको शायद ये प्रोसेस भी ना करने पड़े क्योंकि ऑलरेडी आप इतना अच्छे हेल्दी बना के रखे होंगे, राइट। तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर देना, नेवरदलेस स्टार्ट डूइंग ऑल द नेचुरल थिंग्स यू कैन डू फॉर योर स्किन, बॉडी, हेयर, जो कि मेक देम हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज, राइट। तो मैं इसे, पानी कम पड़ रहा था तो मैं नॉर्मल पानी में लेके इस तरह से स्ट्रेन कर लूँगी। जो भी बचा था ना ड्राई फ्रूट का जो स्ट्रेन करके रखी थी, उससे मैं अगर मैं स्ट्रेन करूँगी तो उसका भी जो भी बचा है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स वो भी पानी में मिल जाएगा। आई डोंट वॉन्ट अ पेनी, अ लिटिल बिट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट टू गेट वेस्ट। मैं इसका 100% तो निकाल ही लेती हूँ। अब देख सकते हो अभी भी इसमें कितना अच्छा झाग आ रहा है। वेरी गुड क्लेंजिंग, वेरी गुड हेना पैक फॉर योर हेयर्स दोस्तों। इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, यू विल बी लाइक अमेज्ड। बार बार आप इसी पैक को बना के यूज़ करेंगे आपके बालों को क्योंकि इतना अच्छा कंडीशन करता है, इतना अच्छा कलर, इतना अच्छा कवरेज आपको देता है ना ये पैक, यू विल बी लाइक वाओ। सो इसे ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैं इतना कंसिस्टेंसी में इसे मिक्स करके इस तरह से स्टोर कर दूँगी, मतलब रख दूँगी भिगोने के लिए। इसे हम भिगाएंगे ओवरनाइट ताकि फिर से जो भी हिन्ना में एंड द ड्राइड फ्रूट्स एंड द आयरन वाटर जो हमने मिक्स करके रखे हैं ना, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे से। तो दिस विल गिव यू अ डिफरेंट कलर, आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो दिस विल बी लाइक एब्सोल्युटली द वंडर पैक रेडी फॉर यूज़। ग्रीन का जो हेन्ना कलर होगा ना वो बिल्कुल डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो, मैं दिखा दूंगी आपको। सो दिस इज द नेक्स्ट डे क्लिप, आप देख सकते हो द हेन्ना पैक इज रेडी टू गो। दिस इज अ वंडर मैजिकल हेयर पैक, मैंने मिक्स किया, देखो द कलर। जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्लिप में एप्लीकेशन का है, वहाँ मिलेंगे।